क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सरसाइज 2.4, क्लास एंड मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। फाइंड 2/5 डिवाइड बाई 1/2। एज यूजुअल जैसे हम पहले क्वेश्चन नंबर थ्री भी करा था, ये भी ऐसे ही 2/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसे उल्टा कर देंगे 2/1 हो जाएगा। ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 2 to the 4 और 5 1 the 5, ठीक है ना। एक स्टेप हम मिस ख़त्म कर रहे हैं कि 2 2 के जो हम लिखते थे, चलो हम दूसरे इसमें लिख के दिखा देते हैं, वो वाला स्टेप जो हम हर बार मिस कर रहे हैं। इसमें 4/9 का 4/9, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन हटाए मल्टीप्लाई, तो इसे उल्टा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते थे, 4 multiply by 3 और 9 multiply by 2, ठीक है ना। ये आपस में कट भी रहे हैं, इसे देखो 2 1 the 2, 2 2 the 4, 3 1 the 3, 3 3 the 9, ऊपर कितना आ गया 2 और 1 है, 2 1 the 2 और नीचे 3 1 the 3, तो ये कितना हुआ 2/3, ठीक है ना। इसे इसी तरह ही काटा जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका 3/7 आ गया, डिवाइड की जगह साइन बताओ, मल्टीप्लाई का। 8/7 की जगह क्या लिखा जाएगा, 7/8। इस 7 से ये 7 कटा, इस 7 से यहाँ 7 कटा, ठीक है ना। तो ऊपर की जब ये 7 से 7 कटेगा, तो हम चलो ऐसे लिख लेते हैं, 3 × 7/7 × 8। इस 7 से ये 7 कटा, तो क्या बचा, 3/8, ठीक है, समझ में आ गया ना। 3 to the 6 or 1 7, 7/3, डिवाइड का निशान हमने एज इट इज लगा लिया 3/5, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस चेंजिंग, पहले से चेंज करा फिर एज इट, तो 7/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, जो डिवाइड के बाद वाला होता है उसे हम उल्टा करते हैं 5/3, ऐसा लगा था ना, 3 से 3 कट गया 5/3। 7/5 the 35 और 3 3 the 9। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, इसका आंसर देख लेते हैं, किसका आंसर 4/5, 2/3, 3/8, 35/9, बिल्कुल सही आ रहा है। 3 to the 6 or 1 7/2, डिवाइड की जगह किसका निशान लगेगा, मल्टीप्लाई का, 8/3 का कितना हो जाएगा 3/8, वेरी गुड। 7/3 the और 2/8 the 21/16, ठीक है, क्या आंसर है 21/16, वो सही है। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 2/9 लिखा, डिवाइड का साइन, इसे मल्टीप्लाई में इसलिए चेंज नहीं करा है क्योंकि इधर मिक्स फ्रैक्शन में से इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, 2 1 the 2 और 1 3। अब 3/2 हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, अब 3/2 हमारा चेंज हो जाएगा, 2/9 मल्टीप्लाई 2/3, 2 2 the 4, 9 3 the 27, 5 3 the 15 or 1 16, 16/5, डिवाइड का साइन एस, 3 1 the 3 or 2 5, 5/3, ठीक है ना। ये 5 से 5 नहीं कर रहे हैं, बीच में डिवाइड का निशान है, डिवाइड से बच के रहो, इसे ख़त्म करो, कैसे ख़त्म करो, ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है 16/5, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, हो गया मल्टीप्लाई, जो लिखा से उल्टा कर दो, 3/5 हो गया, 16 3 the और 5 5 the हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है, इसे भी हम ऐसे करेंगे, 5 to the 10 or 10 or 1 11 11/5, डिवाइड का साइन एज यूजुअल, 5 1 the 5 or 1 6 6/5, इसे हमें डिवाइड करना है, तो 11/5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 5/6, 5 से 5 कटना, 5 1 the 5 5 1 the 5 काट दो, 5 1 the 5 5 1 the 5, ऊपर क्या बचा 11, मल्टीप्लाई का साइन ऊपर 1, नीचे बचा 1, मल्टीप्लाई का साइन ऊपर 6, 11 1 the 11 और 6 1 the 6, क्या आया 11/6, 11/6 48, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये हमारा ख़त्म होता है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, ओके।